हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। छवि और अनुराग दोनों ही अपने दाम्पत्य जीवन में बेहद खुश थे। दोनों अपने परिवार से दूर अमेरिका में रहा करते थे। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। वक्त बीतता जाता है और होली का त्योहार आने वाला होता है। छवि और अनुराग दोनों ही होली सेलिब्रेट करने वापस अपने देश इंडिया आते हैं। छवि के ससुराल में उसकी सास सीमा और उसका देवर जतिन ही रहा करते थे। सीमा खुशी खुशी अपनी बहू और बेटे का स्वागत करती है। जतिन अपना एग्जाम देने के लिए शहर से दूर गया होता है, जिसकी वजह से अभी तक जतिन और छवि की मुलाकात नहीं हो पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जतिन शहर से वापस आ जाता है। कैसी हो माँ? देखा, आ गया ना मैं। हाँ मेरे लाल, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तू आ गया। चल अब तू अपने भाई भाभी से मिल ले। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, तभी तो आया हूँ मैं। अरे भैया भाभी, देखो मैं आ गया। अरे मेरे भाई, कितने दिनों बाद देख रहा हूँ तुझे। तभी हाथों में पानी का गिलास लिए छवि वहाँ आती है और नजर भर जतिन की तरफ देखती ही है कि तभी अनुराग बोलता है, अरे कहाँ खो गई तुम, है ना मेरा भाई लाखों में एक। हाय भाभी जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, और तुम्हें देखकर तो और अच्छी हो गई। दिन बीतते जाते हैं, छवि जतिन की तरफ आकर्षित होने लगती है। ऐसे ही एक दिन जतिन की शर्ट का बटन टूट जाता है। माँ माँ, कहाँ हो आप, जल्दी आओ। क्या बात है देवर जी, माँ जी तो है नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ आपका काम। भाभी देखो ना, मुझे मार्केट जाने के लिए लेट हो रहा है और ये बटन टूट गया और बाकी के कपड़े भी गंदे हुए पड़े हैं। अरे बस इतनी सी बात, लाइए अभी लगा देती हूँ। रुको रुको, मैं शर्ट उतार कर देता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं, पहने रखिए ना, मैं ऐसे ही लगा दूंगी। छवि जतिन की शर्ट पर बटन लगाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और छवि आए दिन जतिन के पास आने की कोशिश करती, पर जतिन को छवि का ये बर्ताव बहुत ही अजीब सा लगता, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। ऐसे ही होली का दिन आ जाता है और हर तरफ रंग और खुशियाँ ही होती है। सारे बाहर होली खेल रहे होते हैं और छवि जतिन की लस्सी में भांग मिलाकर उसके कमरे में जाती है। लस्सी पीकर जतिन को भांग का नशा हो जाता है और जतिन नशे में अपनी भाभी छवि से कहता है, आज तुमने इतने रंग लगाए हैं, इतनी रंगीली लग रही हो, आओ आओ भाभी एक वीडियो शूट करते हैं आपके साथ। हाँ हाँ जतिन, क्यों नहीं, एक नहीं बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। जतिन वीडियो शूट करने के लिए कैमरा ऑन करता है कि तभी उसके हाथ से फोन छूट जाता है। भाभी गलत बात, सबने आपको रंग लगाया पर मैंने नहीं लगाया। अंग से अंग लगाना, पिया जी मोहे ऐसे रंग लगाना। क्या लगाऊं, पहले अंग या फिर रंग या फिर दोनों, बोलो। दोनों ही लगा दो। अच्छा जी, सोच लो। और आज इस रंगीन माहौल में तुम भी मुझे अपने रंग में रंग लो। भाभी आप कुछ ज्यादा ही पास आ रही हो, ये ठीक नहीं है, दूर हटो। क्यों दूर हो जाऊं, जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे ही पास आना चाहती हूँ, पर तुम हमेशा मुझसे दूर चले जाते हो। पर आज नहीं, आज तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही दम लूंगी। जतिन मेरी आंखों में देखो, कितना तड़प रही हूँ मैं तुम्हारे पास आने के लिए। आई लव यू जतिन। इतना कहकर छवि उसे अपनी बाहों में भर लेती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। कुछ देर बाद अनुराग छवि को ढूंढता हुआ जतिन के कमरे में आ जाता है, जहां वो देखता है कि छवि जोर जोर से रो रही है और अनुराग को देखकर वो उसके गले लग जाती है और कहती है, अनुराग अनुराग, जतिन ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैंने खुद को बहुत बचाना चाहा पर उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे साथ। तभी अनुराग एक बाल्टी पानी लेकर जतिन के ऊपर डाल देता है। वो होश में आता है और उठकर खड़ा हो जाता है। शर्म नहीं आई यह सब करते हुए,
अपनी ही घर की इज्जत को ताड़ ताड़ करते हुए। तो अरे क्या हुआ भैया? अब भोला बनने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी हैवानियत का पता चल गया है मुझे। मेरा सर, देखिए आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और भाभी आप इतना रो क्यों नहीं हो? अरे बात क्या है, कोई बताएगा या नहीं? अच्छा, तो तुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि तूने छवि के साथ क्या क्या किया है? तभी वहाँ छवि की सास आ जाती है। अरे क्या है ये सब, क्यों शोर मचा रखा है? अनुराग अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सीमा के होश ही उड़ जाते हैं। माँ आप तो यकीन करो मेरा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। अरे मेरे संस्कारों में कहाँ कमी रह गई थी जो तूने ऐसा रंग दिखा दिया। माँ मैंने कुछ नहीं किया, सच में मुझे अच्छे से याद है, भाभी मेरे लिए लस्सी लाई थी, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं पता, बस इतना याद है कि मैंने छवि भाभी के साथ कुछ गलत नहीं किया। सीमा पुलिस को कॉल करती है और थोड़ी ही देर बाद पुलिस जतिन को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। वक्त बीतता जाता है पर सीमा को कहीं ना कहीं कुछ गलत लगता है। ऐसे ही एक दिन जब वो जतिन के कमरे में जाती है तो वहाँ उसे जतिन का फोन मिलता है। सीमा फोन की गैलरी ओपन करके पिक्चर्स देखना शुरू कर देती है और तभी उसके सामने जतिन और छवि का होली का वीडियो आ जाता है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जल्दी से वीडियो अपने बेटे अनुराग को दिखाती है। अनुराग जैसे ही वीडियो देखता है वो गुस्से से लाल हो जाता है। शर्म नहीं आई तुम्हें एक औरत होकर अपनी इज्जत नीलाम कराते हुए? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने आप को बचाने के लिए जतिन पर ये सारा नाम लगा दिया ताकि कोई मुझ पर शक ना करे। अरे जरूरी नहीं होता कि हमेशा गलती लड़कों की ही हो, तुम जैसी लड़कियों के चक्कर में बहुत से मासूम लड़के भी बदनाम हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस खुद को बचाना चाहती थी और अपना सच छुपाना चाहती थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, जो मेरे भाई के साथ तुमने किया तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। अनुराग पुलिस को फोन करके घर बुलाता है और उन्हें वो वीडियो दिखाता है जिसमें ये साफ नजर आ रहा होता है कि छवि के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी, बल्कि जतिन नशे में था और छवि अपने पूरे होशो हवास में थी। पुलिस छवि को गिरफ्तार कर लेती है और जतिन को बाइज्जत बरी कर देती है। तो इस तरह छवि को अपनी गलती की सजा मिल जाती है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और एक बार फिर से खुशी के रंग में रंग जाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये होली स्पेशल रंग में भंग वाली कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।